हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास में प्रॉमिस किया था कि 12 बजे मैं आपके लिए जीके क्लास लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 4 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके आसपास ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले 2-3 महीने से हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस टाइप के आते हैं, और उसी तरीके से मैं आपके लिए एक 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो बच्चों की प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, बच्चे बोलेंगे कि हिंदी में नहीं है, इंग्लिश के अंदर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकता था। दूसरी बात, मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हिंदी में ही डिस्कस करूँगा, तो किसी भी हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 क्वेश्चंस है तो मैं यहाँ पे 200 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा आपको, इस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। साथ में हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, कोई सा भी बच्चा हो, सभी को ये वीडियो समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बताऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोशिश करूंगा मैं जितना हो सके आपको आसपास की और नॉलेज डिलीवर करूंगा, ताकि उससे रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए, कुंदाकुलम को तो कुंदाकुलम भी बोलेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके बीच में ये एग्रीमेंट है? इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट है। कहाँ पर है कुंदाकुलम? ये गुजरात के अंदर है। इसके अलावा, कुंदाकुलम के अलावा तारापुर भी इंपॉर्टेंट है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कायगा आपको पता है, कायगा भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। वैसे कल्पकम पूछते हैं अगर, कल्पकम तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, नरोरा के बारे में पूछे, नरोरा तो ये यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर तो आपको पता ही है रावत भाटा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेशन, जनसंख्या सबसे कम कौन से राज्य की पाई गई सेंसेस 2011 के अंदर? सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की थी। सबसे ज़्यादा किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। करेंसी आपको बतानी है युआन की, चाइना की। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। रेनमिनबी कहते हैं इसे, रेनमिनबी भी इसे कहते हैं। दोनों पेपर में आए तो आपको चाइना आंसर करना है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। भारत का कौन सा है? थार डेजर्ट। थार कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया को हम कहते हैं थार डेजर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के अभी कौन है? लेफ्टिनेंट बोल लीजिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल लीजिए, कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं ये, अनिल बैजाल। अनिल बैजाल अभी है, पहले कौन थे? नजीब जंग, और अभी कौन है? अनिल बैजाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैनोई किसकी राजधानी है? हैनोई किसकी है? वियतनाम की राजधानी है। करेंसी क्या है यहाँ पे? यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है यहाँ की डोंग। डोंग यहाँ की मुद्रा है और हैनोई यहाँ की कैपिटल है। हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई है? हाफ गर्लफ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारी किताब है चेतन भगत की, जैसे कि पेपर में आपसे 5.1 पूछ सकते हैं। इसके अलावा वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी ध्यान रखना है। 2 स्टेट्स ध्यान रखनी है। रिवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशन 2020, ये किताब पेपर में आ सकती है इस बार आपके, चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड तो हो गई, वन इंडियन गर्ल ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी चेतन भगत की है। व्हाट यंग इंडिया वांट, व्हाट यंग इंडिया वांट, ये भी किसकी है? चेतन भगत की ही किताब है। मेकिंग इंडिया ऑसम, ये भी चेतन भगत की है। तो ये सारे नाम ध्यान रखने, पेपर में सवाल आ सकता है आपसे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
कहां पर हेडक्वार्टर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हेड कौन है अभी इसकी? क्रिस्टिन लिगार्ड। क्रिस्टिन लिगार्ड इसकी हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड देन वन डे, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एंड देन वन डे, नसरुद्दीन शाह के द्वारा ये किताब लिखी गई है। शिवा सुंदरम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? ये है आपके कर्नाटका के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बांदीपुर और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? मैंने आपको बताया था कि नेशनल पार्क से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। बांदीपुर तो है कर्नाटका में, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में ले लिया है। गलत नहीं करना, बहुत बच्चे गलत करते हैं। यूरोप की एक ना एक जो कंट्री है यूरोप की, वहां से आपके लिए कैपिटल पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है लिस्बन किसकी कैपिटल है? पोर्चुगल की कैपिटल है। सऊदी की करेंसी क्या है? रियाल सऊदी की करेंसी है। और रियाद वहां की क्या है? राजधानी है। ताशकंद किसकी राजधानी है? यह उज्बेकिस्तान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सती प्रथा किसके द्वारा बंद कराई गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको बंद कराई गई थी। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी सभी को पता ही है, कोहिमा है। वहां के गवर्नर कौन है? पद्मनाभा आचार्य, आचार्य जी वहां के गवर्नर है। सीएम कौन है अभी? ठीक है, पद्मनाभी। और सीएम तो आपको पता ही है, टी आर जेलिंग। अभी कल परसों इलेक्शन हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है नागालैंड। लोकसभा की भी एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है। समझ गए होंगे, वापस से बता रहा हूं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, गवर्नर आचार्य जी हैं, सीएम जी टी आर जेलिंग है, लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की एक सीट है। चलिए नेक्स्ट, गवर्नर बताना है आपको मिजोरम के कौन है। निर्भय सिंह यहाँ के गवर्नर है, जो कि मिजोरम के हैं। सीएम भी आपको पता होना चाहिए कौन है, लाल थनवाला वहां के सीएम है। मणिक सरकार कौन से स्टेट के सीएम है? अभी वोटिंग हुई है यहां पे कुछ टाइम पहले, त्रिपुरा के सीएम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कौन से राज्य की है? यह है उत्तर प्रदेश की। मैं आपको चार चार नाम बता रहा हूं, याद करने, पूरे याद नहीं करने। 28-29 राज्य के पूरे याद नहीं कर सकते आप, इसीलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, चार चार राज्य के बता रहा हूं। चार राज्य लोकसभा की लार्जेस्ट सीटें, सबसे ज्यादा सीटें जिनकी है, और जो चार राज्य मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा की। चलो देख लो, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है ही, उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तो 80 होती है, 80 सीटें लोकसभा में। महाराष्ट्र की 48 है, वेस्ट बंगाल की 42 और आंध्र प्रदेश की भी 42। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो सेम है सब, ऊपर वाले तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों तो सेम है। उत्तर प्रदेश की 31 और महाराष्ट्र की 19। इसके बाद दो राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु की कितनी है? 18 है। वेस्ट बंगाल और बिहार की दोनों 16-16 है। तो ज़्यादा पूरे याद नहीं करना है, स्मार्टली पढ़ना है। पेपर में ऊपर के चार राज्य के बारे में पूछते हैं आपसे सीएचएसएल में, या तो लोकसभा की पूछेंगे या फिर राज्यसभा की पूछेंगे। राज्यसभा के चार नाम ऊपर के ध्यान रखने हैं, यूपी और महाराष्ट्र तो दोनों में ऊपर है ही, राज्यसभा के अंदर तमिलनाडु और उसके बाद वेस्ट बंगाल बिहार है। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यूपी महाराष्ट्र तो है ही, उसके बाद में कौन आ रहा है? वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश आ रहा है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर। मैंने आपको बताया था पहले 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। आयरन से ज्यादा किसका है? यहां तो कोबोल्ट आंसर हो गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, 1 से लेकर 20 तक के पूरे के पूरे याद करना है। अगर मैं आपको 10 तो मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बर्लेनियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, ये तो आपके शुरू के 10 हो गए, 10 बाद में आप याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, HClBbCNOFN, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, HClBbCNOFN, हाइड्रोजन हीलियम उसके बाद में लिथियम बर्लेनियम बोरोन उसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, सारे याद करने हैं 1 से लेकर 20 तक के, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्रामर बनाता है
कन्वर्जन करने के लिए, वो क्या होता है, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। कौन से बैंक भारतीय नहीं है? HSBC बैंक भारतीय नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? लंदन के अंदर है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। LCD प्रोजेक्टर किसने इन्वेंट करे थे? ये जीन डॉलगॉफ ने करे थे। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड साइंटिफिक नेम का एक वीडियो, इसके अलावा इन्वेंशन का एक वीडियो और एक इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है ना उसका एक वीडियो। ये तीन वीडियो मुझे बनाने हैं, टाइम तो नहीं मिल रहा, बड़े मुश्किल से आज भी मैं टाइम निकाला है। 100 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो ये तीन वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको एक दो दिन, तीन चार दिन में प्रोवाइड करूं। काफी बच्चों का 4 तारीख को पेपर होगा मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी तरफ से 100% 200% देने की कोशिश करूंगा कि आपको ये तीनों वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइलम का मैं आपको दे चुका हूं, फाइलम का वीडियो आपने देख लिया होगा, कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। इसके अलावा 200 करंट अफेयर का भी मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। और अब मैं आपके लिए 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी लेके आ चुका हूं, ठीक है। मैं मेरे बाकी जो तीन वीडियो और है उसकी भी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट बतानी है आपको किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या है? देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हो तो वेबर होती है। अगर आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ लिया जाए तो टेस्ला होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्ला डेंसिटी की और मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। टेस्ला को बोलते हैं अपन वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, सबसे पहले पंचायती राज कहां, कौन से राज्य ने अडॉप्ट किया था? आपको बताइए राजस्थान के नागौर के अंदर सबसे पहले पंचायत स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी है जो कि बनाई गई थी 50s के अंदर, 56 या 57 में। उन्होंने तीन सिस्टम बताए थे, सबसे नीचे तो ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, इस तरीके से 3-tier सिस्टम उन्होंने बनाया था। हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली भारत क्या एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट। इनहेरिटेंस ऑफ लॉज किसकी किताब के ऑथर कौन है? यह किरण देसाई। आपको कुल मिला के यहाँ पे ग्रैमी जो बुकर प्राइज है ना, बुकर प्राइज के पूरे याद करने नाम, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सबसे पहले वी एस नायपॉल की किताब थी इन ए फ्री स्टेट, उसको भी क्या मिला? बुकर प्राइज मिला। इसके बाद में सेकंड नाम की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है सलमान रुशदी, कौन सी किताब थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। तीसरी और पहली भारतीय, देखिए नायपॉल और ये तो सलमान रुशदी है ना, इनके पास में यूके की सिटीजनशिप है, इनके पुराने जो एसेंटर है वो भारतीय है, इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं। लेकिन पहली भारतीय कौन थी? अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स इनकी किताब थी। पांचवा आपको याद करना है किरण देसाई, मैंने अभी आपको बताया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसकी किताब है। और नेक्स्ट जो पांचवा कौन है? अरविंद अडिगा, इनकी किताब है व्हाइट टाइगर। इन पांच नाम आपको ध्यान रखने जो कि बुकर प्राइज से रिलेटेड है, इसके अलावा बुकर प्राइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, जब ऊपर वाली सॉइल की लेयर से नीचे की तरफ पानी जाता है, जैसे कि ये ऊपर की लेयर है, अगर यहां पर सॉल्ट है बहुत सारा और मुझे उसको नीचे भेजना है तो मैं क्या करूंगा? बहुत सारा पानी डालूंगा ऊपर वाली सॉइल के ऊपर, इसको हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब यही होता है कि ऊपर वाली लेयर से मैं सॉल्ट को नीचे की तरफ ले जाऊं और ऊपर मेरी जमीन को मैं उपजाऊ बना लूं, उसको हम लीचिंग कहते हैं। बैम्बूसा किसका साइंटिफिक नेम है? बैम्बू का है, सिंपल सा नाम है। जुकोडस किसका है? ये चीता का है, जुकोडस चीता का है। एक क्वेश्चन आपको रैंकिंग से पूछा जा सकता है, जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट, माइकल जॉर्डन और सन, कौन सा ऑर्डर? आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए जुपिटर है ना सन से कि कौन से नंबर पे प्लैनेट है, तो आपको क्या बताना है कि पांचवें नंबर पे है। मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ यानी कि माइकल जॉर्डन, उसके बाद में सन SUN, पहला है मार्स वीनस अर्थ, सॉरी मरकरी वीनस अर्थ, उसके बाद में है मार्स, फिर जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपट्यून। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पूछ सकते हैं साइज से, तो नंबर वन साइज में कौन है? जुपिटर, सेकंड में सैटर्न, थर्ड में यूरेनस, फोर्थ में नेपट्यून, उसके बाद में आपके अर्थ है पांचवें नंबर पे साइज में, फिर है वीनस, उसके बाद में है मार्स और आखिरी के अंदर है मरकरी। तो ये मैंने आपको बताया साइज के अकॉर्डिंगली छोटा और बड़ा, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रैंकिंग को लेकर और दूसरा साइज को लेकर।
एक फाइलम का क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने आपको वीडियो दे दिया है, उसमें को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मुगल, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर, इनके वंश के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। बताइए बाबर के बाद में कौन आया था, बाबर किसके, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का फादर कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल के अंदर सबसे पहले कौन था, बाबर, उसके नीचे हुमायूं, उसके नीचे अकबर, अकबर के नीचे जहांगीर, शाहजहां और उसके नीचे औरंगजेब। ठीक है, ये नाम आपको मुगल से याद करने हैं। वैसे ही मौर्य की बात करूं तो मौर्य के लिए भी आसान है, आपको पता ही, सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, उसके बाद में अशोक और उसके बाद में महिंद्रा और ये सब लोग थे जो कि बाहर चले गए थे इनको। तो आखिरी वाला इसके अंदर ध्यान रखना है जो कि था ब्याद्रथ था। तो ऊपर के तीन नेम और आखिरी का ब्याद्र। गुप्ताज की बात करूं तो गुप्ताज से भी पूछते हैं, तो गुप्ताज में सबसे पहले कौन थे, श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोरकंच, ठीक है घटोरकंच थे, उसके बाद में चंद्रगुप्त वन, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद में कुमारगुप्त और उसके बाद में स्कंदागुप्त। इस तरीके से गुप्ता थे, इनके बेटों के बारे में, फादर के बारे में सवाल ऊपर नीचे करके आ सकता है। एक क्वेश्चन इलास्टिसिटी का, इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल का, पूरी कोशिश करूंगा बना के दूं। टाइप ऑफ कंपटीशन का एक क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ कंपटीशन कई बार पढ़ा चुका हूं, एक तो होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और एक होता है प्योर कॉम्पिटिशन। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है, ओलिगोपोली में कुछ कंपनियां होती है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती है, कंपनियां तो बहुत सारी होती है लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होता है और प्योर कंपटीशन में बहुत सारी कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट बना रही होती है तो वो प्योर कंपटीशन होता है। किसके अंदर लीव्स होती है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, मैंने आपको पहले बताया था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बायरोफेटा और फेरोफेटा, इन सब के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीव्स किसके होती है, एंजियोस्पर्म्स में होती है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला है जो कि मैंने आपको बताया था, मार्स कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 यही तो है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में कुछ भी पूछा जाए तो आपको फंडामेंटल राइट क्लिक करना है। 36 से लेकर 51 पूछा जाए अगर आर्टिकल तो आपको फंडामेंटल, ठीक है क्या, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको मार्क करना है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए आर्टिकल 21 इसमें आ गया, 12 से 35 में आ गया तो फंडामेंटल राइट्स आंसर हो गया। आर्टिकल 40 के बारे में पूछा तो ये 36 से 51 के बीच में आ गया तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, सारे के सारे आर्टिकल याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्मार्टली पढ़िए। अगर 200 की लाइन के अंदर कोई आर्टिकल आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट आपको मार्क करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। नेक्स्ट, रिटायरमेंट उम्र कितनी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, 65 साल है। हाई कोर्ट की पूछ लिया जाए तो 62 है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। आर्टिकल 343 क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी किसके अंदर, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, साथ में 8 शेड्यूल के अंदर भी यहाँ पे बातें करी गई है, कौन सी, जो 22 हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस है, 22 हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस है, चलिए ठीक है। 356 आर्टिकल कौन सा है, ये स्टेट इमरजेंसी है। 352 एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 352 कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी। 360 कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 356 कौन सा है, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम एज अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल का होना जरूरी है। अगर राज्यसभा के मेंबर बनना है तो 30 साल और अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की ही 35 साल है, गलत नहीं करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना प्राइस की स्टेबिलिटी के साथ में। सेक्स रेशियो भारत में कैसे मेजर करते हैं, कितनी फीमेल है 1000 मेल के ऊपर, ऐसे पता करते हैं। 940 है अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, 2001 में 333 थी। ठीक है, साथ में अगर गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए
तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्सेशन। अमीर के से ज्यादा टैक्स लो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, अमीर से कम टैक्स लो उसको कहते हैं रिग्रेसिव। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है एक्सपेंडिचर वो ज्यादा हो जाता है उसके कमाने से, तो उसे क्या कहेंगे? आप कमा रहे हो 10,000 रुपए, उड़ा रहे हो 20,000 रुपए, तो आप किस में चले जाओगे? डिफिशिएंट में चले जाओगे। आपका बजट कैसा हो जाएगा? डिफिशिएंट बजटिंग हो जाएगी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ होती है? ये कहाँ पे होती है? ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती है मेजरली। पहले भी बताया था स्ट्रक्चरल कहाँ पे होती है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, जब आपकी कंपनी के अंदर है ना मैच नहीं होती है डिमांड, आपका जो काम है ना आपकी जो स्किल है वो मैच नहीं होती, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइक्लिकल कौन सी होती है? जब रिसेशन आ जाता है फैक्ट्रियां बंद पड़ जाती है। फ्रिक्शनल कौन सी होती है? जब लोग एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाते हैं, टेम्परेरी जॉब जब होती है। और साथ में सीजनल तो आपको पता ही है, 6 महीने गाँव के अंदर क्या होता है, बारिश आती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नहीं आती तो नहीं मिलती है। वर्ल्ड बैंक क्या है आपको पता है? IBRD और IDA को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। सॉफ्ट बैंक विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी किसको कहते हैं? IDO को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन नहीं मिल, लोन का टैक्स नहीं देना, वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है IDA। इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC के अंदर। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको एग्जाम्पल बताना था, जैसे कि मोबाइल फोन की सेल्स पता करना BSNL के द्वारा। कुल मिला के आपको पता होना चाहिए माइक्रो और साथ में मैक्रो के अंदर अंतर क्या होता है। माइक्रो में बात करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे कि किसी इंडिविजुअल की, आपकी मेरी प्राइस के बारे में, साथ में सेल्स के बारे में, और प्राइस यहाँ पे क्या करते हैं? प्राइस का एनालिसिस करते हैं। मैक्रो के अंदर क्या करते हैं? इनकम का एनालिसिस करते हैं। मैक्रो के अंदर कंजप्शन, प्रोडक्शन, GDP, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन, ओके, बड़ी बड़ी बातें किसमें होती है? मैक्रो में होती है, जो देश के लेवल की होती है। जो हमारे लेवल की जो बातें होती है वो माइक्रो में होती है। पेपर में आता है सवाल, फिनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 280 आर्टिकल है। अभी 14वां फिनेंस कमीशन चल रहा है, आपको पता है YV रेड्डी इसके हेड है। 15वां फिनेंस कमीशन स्टार्ट होगा 2020 से 2025 के लिए, और किसको बनाया गया है? इसका हेड NK सिंह को बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पहले तो 32% थी, पूल अभी कितनी कर दी थी 14th फिनेंस कमीशन ने, 42% पैसा जो टैक्स का है वो स्टेट के पास में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट कौन किसके द्वारा क्रिएटेड है? ये IMF द्वारा, ये इनकी करेंसी है, जैसे भारत की रुपया है ना वैसे IMF की SDR है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कर देता है अगर कैश रिजर्व रेशियो, तो क्या होता है? इंक्रीज करता है वो क्रेडिट के क्रिएशन को। अगर कैश रिजर्व CRR को कम कर दिया है तो बैंक आपके लोन के अमाउंट को कम कर देगा और लोगों के पास में ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बैंक रेट क्या होती है? ठीक है, बैंक रेट क्या होती है? जो सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों को जो पैसा देता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसको कहते हैं बैंक रेट। जो रेपो रेट होती है उसमें तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है 90 दिन तक के लिए, 90 दिन से 1 साल तक के लिए बैंक रेट से पैसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, G20 में कौन पार्टिसिपेट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसके अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर RBI का कहां पर है? मुंबई के अंदर है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर देश के कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम। फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है। द्रव्यती रिवर, ठीक है, ये कहां पर है? ये जयपुर में है। कुल मिला के क्वेश्चन यहां से क्या है? सिटी बिसाइड्स रिवर, किन सिटी के पास में कौन सी रिवर है ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अगर मैं इस साइड पे फोर्स लगा रहा हूं तो इस साइड पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। कोई भी चीज घुमाते हैं तो टॉर्क लगता है ना। चलिए, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? विक्टोरियन मेमोरियल कोलकाता वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। कुल मिला के जो 36 देश के अंदर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है, सिंपल सी बात है। चलिए, 2017 का नोबल अवार्ड लिटरेचर का किसको मिला है? नोबल अवार्ड 2017 के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बना बना के डाल रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, जाने से पहले सारे के सारे रिवाइज करिएगा। काशियो इशिगोरो को लिटरेचर का अवार्ड मिला है। डायबिटीज कैसे होता है? लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन से होता है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करती है? पैनक्रियास करती है।
ठीक है। सी एनोमोलस किससे बिलोंग करते हैं, ये सीनेडेरिया से करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। साथ में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, हरियाणा से कौन से स्टेट की बॉर्डर टच नहीं होती है, मध्य प्रदेश की नहीं होती। कुल मिला के भारत का जो मैप है ना, ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, बॉर्डर पता होनी चाहिए। साथ में हर एक स्टेट की कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, समझ गए, दोनों चीज़ें। यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता होना चाहिए। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर मैं बात करूं स्केलर और वेक्टर की, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो जैसे कि मास है, लेंथ है, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क, ये सारे के सारे स्केलर होते हैं। वेक्टर की बात करूं, पेपर में पूछे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ऐसे जो बड़े बड़े नाम है ना फिजिक्स में, जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स पेपर में आ सकता है इस बार, वेट भी आ सकता है, वेट हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ध्यान रखने हैं। मिलियन म्यूटिनस किसके द्वारा लिखी गई है, वीएस नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। तीनों पानीपत की बैटल आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहली कब हुई थी, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। दूसरी वाली कब हुई थी, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी वाली कब हुई थी, 1761 में किसके द्वारा, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। मराठास की तरफ से कौन थे, सदेशराव बाऊ पेशवा, वो उनके लीडर थे। तीनों की तीनों पेपर में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है पढ़ने को, तो बच्चों के साथ में लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं इस बारे में, ठीक है। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, सिर्फ 2000 लोग अभी लाइव चल रहे हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपकी दुआ से, वाईफाई स्टडी के सिर्फ 2000 बच्चे लाइव हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बच्चों के पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अगर आपने कर रखा है तो आपने बेल आइकन के ऊपर प्रेस नहीं कर रखा है, उसके ऊपर जरूर करिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, GK24, ठीक है, GK24 आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। GK24 एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए, वीडियोस में जाइए, वीडियोस में जाने के बाद में ऐसे 2-3 डॉट बने हुए होंगे, उन 3 डॉट को क्लिक करोगे ना तो यहां पे डाउनलोड PDF आ जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए। तो वहां से अगर आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई सारे चाइनीज मोबाइल है, चाइनीज कंपनियां हैं, ओप्पो वीवो, उनके डाउनलोड नहीं होता है, तो आप अपने दोस्त से डाउनलोड करवा के, कोई सैमसंग या कोई अगर आईफोन वाला अगर कोई है तो आप क्या कर सकते हैं, सैमसंग या कोई दूसरी कंपनी का है जिसके मोबाइल में हो रहा है डाउनलोड, तो क्या कर सकते हैं, उससे डाउनलोड करवा के आप जेंडर के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे देश में कौन सा है, NH44 है, ठीक है, कहां से कहां पे जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ कश्मीर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, NH47A। वेलिंगटन से कोची, वेलिंगटन एक आर्टिफिशियल आइलैंड है केरला के अंदर, वहां से कोची जाता है, सबसे छोटा हाईवे ये है। बोडो लैंग्वेज कहां बोली जाती है, ये आसाम में बोली जाती है। डोगरी कहां बोली जाती है, ये JNK में बोली जाती है, JNK और हिमाचल के अंदर, ठीक है। तो जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना, 8 शेड्यूल के अंदर, वहां से ये सवाल है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली पूछते हैं कहां पे बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। कौनकनी पूछते हैं, कौनकनी गोवा में बोली जाती है, समझ गए। देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। लॉन्गेस्ट डे कब होता है, 21 जून को, गर्मियों में ही तो होता है। सबसे शॉर्टेस्ट कब होता है, सबसे छोटा कब होता है, 21 दिसंबर को। बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर। 21 मान लीजिए या 22 मान लीजिए, एक ही बात है, दोनों में से एक मिलेगा। ये दोनों तो बराबर होते हैं दिन, ये सबसे छोटा दिन होता है और ये सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, चांद बरदाई के द्वारा। न्यूटन के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या बोलता है, अगर किसी भी चीज को सरकाओगे नहीं तो वो सरकेगी नहीं, फोर्स लगाना जरूरी है। दूसरा क्या बोलता है, F=ma, एक्सीलरेशन मास और फोर्स के बारे में। तीसरा क्या बोलता है, दीवार पे बॉल मारूंगा ना तो टकरा के वापस आएगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस तरीके से याद कर लीजिए, देसी तरीके से, कभी नहीं भूलेंगे।
गवर्नर के ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? गवर्नर को कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसके प्लेजर में ये अपना सीट रखता है? प्रेसिडेंट के। ये सारे क्वेश्चन है अपने आप में, गलत मत कर देना। ठीक है, चलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? फोर्स है। अगर कोई गुड्स है ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं और उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गिफिन गुड्स कहते हैं उसको। समझ गए? 2017 के ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? कैसे एफ्रेक को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2017 का कौन सी मूवी के लिए मिला है? मैनचेस्टर बाय द सी, इस के लिए मिला है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लिया जाए, एक्ट्रेस, तो कौन है? एमा स्टोन। ला ला लैंड के लिए, इस मूवी के लिए एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। डायरेक्शन का किसको मिला है? डायरेक्टर की बात करूं तो डैमियन करके पर्सन है, डैमियन, इसको मिला है। कौन सी मूवी के लिए? ला ला लैंड के लिए। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 होते हैं। इसमें से 12 कौन करते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, ठीक है, यहाँ से, साइंस से, सोशल साइंस से, वहाँ से। अभी कितने हैं? करंटली 245 मेंबर है। ठीक है, राज्यसभा का हेड कौन है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का कौन होता है? चेयरमैन होता है। अभी कौन है? वेंकैया नायडू जी है। सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन है, गलत नहीं करने हैं, समझ गए? ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंग्रोव के प्लांट्स में क्या होती है, कौन सी रूट्स होती है? वो रेस्पिरेटरी रूट्स होती है। मैंग्रोव कहाँ पे मिलते हैं देश के अंदर? वेस्ट बंगाल के अंदर। सुंदरबन सुना ना आपने, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा पे मिलता है, जिसको सुंदरबन बोलते हैं, और वहीं पे ही सबसे ज्यादा मैंग्रोव मिलते हैं, समझ गए? चलिए, आईपी एड्रेस कौन सा? IP4 32 बिट। सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया? लेवन हॉक ने किया। अगर वायरस पूछ लिया जाए तो वायरस का कौन हो जाएगा? दिमित्री हो जाएगा, दिमित्री ईवा नोवेक। सी, बैक्टीरिया और वायरस दोनों ध्यान रखने हैं। क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम के? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सिंटेक्स एरर को कौन एलिमिनेट करता है? कंट्रोल यूनिट। एलोरा केव्स कहाँ पर है? देखिए, सारी इंपॉर्टेंट है, एलोरा हो, अजंता हो, एलिफेंटा हो, तीनों की तीनों महाराष्ट्र के अंदर ही है। एलिफेंटा तो मुंबई में है, अजंता एलोरा कहाँ पर है? औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद। अजंता केव्स की बुद्धिज्म के ऊपर बनाई गई है, अलोरा किसके ऊपर बनाई गई है? जैनिज्म, बुद्धिज्म और साथ में हिंदुइज्म, तीनों के ऊपर बनाई गई है। अजंता केव्स को किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, 700 साल में बनी है। अलोरा को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनाया है, समझ गए बात? चलिए, एलिफेंटा केव्स तो भी किसी एक ने नहीं बनाई है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बनाई है, इसके बारे में पता भी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा आपको बदामी केव्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर है? बदामी कर्नाटका में है, उदयगिरी, कंडागिरी ये उड़ीसा के अंदर है, ओके, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट, राज्यसभा में कौन सा बिल नहीं आता है? वो मनी बिल नहीं आता है। कौन सा आर्टिकल है? 110 है। मनी बिल से रिलेटेड सारी पावर लोकसभा के पास में है। लोकसभा बिल भेजता जरूर है राज्यसभा को, लेकिन राज्यसभा सजेशन देता है लोकसभा को। राज्यसभा की कोई भी नहीं चलती है मनी बिल के अंदर, समझ गए बात? सिंपल सी बात है। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। आगरा फोर्ट किसने बनाया है? अकबर ने। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका सेम मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, इसका उल्टा कर दो तो आइसोटोप्स बन जाते हैं। आइसोटोप्स क्या बन जाते हैं? उल्टा कर दो तो, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स हैं। चलिए, रिंगवर्म किससे होता है? मैंने आपको बताया था, फंजाई से होता है। कंफ्यूज नहीं होना है अगर मैं रिंगवर्म की बात करूं, ठीक है। देखिए, तीन तरीके के वर्म होते हैं, एक तो रिंगवर्म होते हैं, इसके अलावा एक होता है राउंड वर्म, एक होता है टेप वर्म। राउंड वर्म और टेप वर्म ये पैरासाइट से होता है, और रिंग वर्म होता है फंजाई से। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, मैं बता देता हूँ, पेपर में एक सवाल आएगा, वायरस से कौन से है? हेपेटाइटिस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इसके अलावा
याद येलो फीवर मान लीजिए, येलो फीवर भी होता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा भी होता है, कॉमन कोल्ड भी होता है, मिसल्स भी वायरस से होते हैं, टाइफॉइड भी वायरस से होता है और टिटनेस भी वायरस से होता है। टाइफॉइड वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है, टिटनेस भी किससे होता है, वायरस से होता है। बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टीबी होता है, ई कॉली होता है वो भी बैक्टीरिया से, सैमलोना वो भी इससे होता है, निमोनिया भी इससे होता है, और टाइफॉइड तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और प्रोटोजोवा से मलेरिया हो जाता है, प्रोटीन से मैड काउ हो जाता है, प्रोटीन से क्या होता है, मैड काउ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है इस बार, मैड काउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो रैम होती है, पता है ना आपको, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया पूरा का पूरा गायब हो जाता है, इरेज हो जाता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो। लेकिन रोम जो होता है ना वो नॉन वॉलेटाइल होती है, उसमें से डाटा लॉस नहीं होता है बंद होने के ऊपर, लेकिन उसको आप रीड एंड राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है नियर साइटनेस, इसका मतलब होता है पास का तो आपको अच्छा दिख रहा है, दूर का आपको नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिखता है तो मेरे आईज में क्या होता है, मेरी जो सनलाइट है ना वो आगे की तरफ बनती है रेटिना के, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आगे की तरफ कॉनकेव लेंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव के अंदर, जैसे कि अभी मेरे जो है ना वो नेगेटिव नंबर लगा हुआ है, मुझे दूर का नहीं दिखता है, समझ गए, मुझे क्या है, मुझे दूर का नजर नहीं आता है तो मेरे नेगेटिव नंबर है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है। नियर साइटनेस, पास का बढ़िया दिखता है दूर का नहीं दिखता है, उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपर मायोपिया, समझ गए, हाइपर मायोपिया में क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स नंबर हो जाएगा प्लस के अंदर, और जो इमेज है वो रेटिना के पीछे की तरफ बनेगी, और उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटनेस, सिंपल सी बात है, और हाइपर मायोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए WHDCM, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट कौन से, डलहौजी, पहले वाइसरॉय कनिंग, और लास्ट कौन, माउंटबेटन। इस तरीके से याद कर लीजिए चारों, HDCM, HD क्या होता है हाई डेफिनेशन, CM क्या होता है चीफ मिनिस्टर, HDCM पहले आखिरी, पहले आखिरी, कौन, गवर्नर जनरल पहले और उसके बाद में वाइसरॉय पहले आखिरी। चलिए समझ गए होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, फ्लूड में स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। बुकर प्राइज, पहली भारतीय जिनको बुकर प्राइज मिला, अरुंधति रॉय को मिला था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, नायपॉल, सलमान रुश्दी, पांच नाम याद कराए थे, और किस किताब के लिए मिला था, गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, समझ गए। चलिए ये सारे के सारे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज हमने कवर अप करे, उम्मीद है काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले पेपर के अंदर, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्मार्टली पढ़िए और अपनी नॉलेज को और अब दोनों चीजों को इंप्रूव करिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन के अंदर, होली तो है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे भी है मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपको और वीडियो प्रोवाइड करने की पेपर से पहले, ठीक है। तो 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, जैसे जैसे करके मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और फ्रेंड्स स्मार्ट तरीके से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक। 4 तारीख को बहुत बच्चों का पेपर होगा, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने आपको परसों भी बोला था, एक नंबर दिया था, सभी एक वाईफाई स्टडी फैमिली है, ये एक दूसरे की मदद करेंगे पढ़ाई में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज आप मदद कर रहे हैं किसी और की, कोई और आपकी भी मदद करेगा पेपर के अंदर, ओके। 7023336 25 इस नंबर के ऊपर जिन बच्चों का 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख कभी भी पेपर है, अपनी डेट लिखी हुई है और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, ये लिख के क्वेश्चन जो भी आपको याद है उसको भेजिए, जो भी आपको याद है क्वेश्चन। मुझे पता है ऑनलाइन पेपर है, याद करना सारे क्वेश्चन याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर एक एक बच्चा एक एक दो दो क्वेश्चन भी अगर भेजता है ना तो 1 मिलियन लोगों की फैमिली है वाईफाई स्टडी, बहुत सारे क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, उसका एनालिसिस करेंगे 4 तारीख को, ठीक है। 4 तारीख को, 4 मार्च को आप सभी के लिए लाइव होगा एनालिसिस, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, जो जो पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, सारे जो भी पेपर के सारे एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख आने वाले दिनों में बहुत मदद करेगा, ठीक है। 4 तारीख को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।